ऑल राइट गाइज, आज की इस वीडियो में एक और नया डीजे एबी प्ले टेम्पलेट को मैं लेकर के आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आज की इस वीडियो में हम इसी टेम्पलेट के अंदर वीडियो एडिटिंग सीखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन टेम्पलेट के अंदर आप किस तरह से जो अपना फोटो को लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको टेम्पलेट को प्ले करके दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये टेम्पलेट है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पता चल जाएगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए किस तरह का जो टेम्पलेट लेकर के आया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एडिटिंग सिखाने वाला हूँ और इन टेम्पलेट को आप किस तरह से जो डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इन वीडियो को प्ले करके टेम्पलेट को दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का जो टेम्पलेट मैं आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूँ, तो आज के इस वीडियो में इसी टेम्पलेट के अंदर हम वीडियो एडिटिंग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन टेम्पलेट को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको चले जाना है, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट इस मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको चले जाना है। जाने के बाद ये फर्स्ट नंबर में जो टेम्पलेट दिख रहा है, ठीक है, विजुलाइजर 32 करके इसका नेम है, इन टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेना है। जब आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे इन टेम्पलेट को डाउनलोड करने जाएंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इन टेम्पलेट में पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। जब तक इन टेम्पलेट का पासवर्ड को अनलॉक नहीं करोगे तब तक आपका जो टेम्पलेट अनलॉक नहीं होगा, ठीक है। तो किस तरह से करना है टोटल चीज इस वीडियो में डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं मिल रहा है ये टेम्पलेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पे जाकर सर्च करोगे विजुलाइजर 32 करके नेम, आप इसका देख लेना, तो यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ टेम्पलेट को, ठीक है। टेम्पलेट को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, टेम्पलेट को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको मेरे एबी प्लेयर चाहिए, सॉरी एबी प्लेयर के अंदर यहाँ पे आपको चले आना है, ठीक है। एबी प्लेयर के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, इन टेम्पलेट को आपको एबी प्लेयर के अंदर आपको ऐड करना है। अगर आपके पास एबी प्लेयर एप्लीकेशन भी नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले ही मैं आपको बताया हूँ कि इन टेम्पलेट में पासवर्ड लगा करके रखा हूँ, तो सबसे पहले इसमें आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो पासवर्ड डालने के लिए, पासवर्ड डाल करके अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जेड अनजिप करके इस एप्लीकेशन का नाम है, इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का, ये जब भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। तो जिस भी फोल्डर में मेरे टेलीग्राम चैनल से आप टेम्पलेट को डाउनलोड करके रखे हो उस फोल्डर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, उस फोल्डर में आपको चले जाना है और जो आपका टेम्पलेट है उस टेम्पलेट को आपको ढूंढ लेना है। यहाँ पे ढूंढ लेना है, ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, पासवर्ड डाल करके इसको अनलॉक करना है। तो पासवर्ड आपको क्या है इसका मैं आपको बता देता हूँ, जो पासवर्ड है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, पहले मैं दो पासवर्ड को शो करूंगा, उसके बाद मैं आपको दो पासवर्ड को शो करूंगा स्क्रीन पे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग डायरेक्ट जाते हैं मेरे टेलीग्राम से टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेता है और मेरा वीडियो को नहीं देखता है, इसीलिए मैं पासवर्ड को टेम्पलेट में लगा करके रखा हूँ, ठीक है। तो सिंपली इस टेम्पलेट को डाउनलोड करने के बाद जिस फोल्डर में, उस फोल्डर में जाना है, उस टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में जब भी क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, उसके बाद स्ट्राइट हेयर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका टेम्पलेट यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाएगा, ठीक है। तो जो आपका पासवर्ड है, जो आप पासवर्ड रखे हो उस पासवर्ड को यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मैं 4 डिजिट का इसमें पासवर्ड लगाया हूँ, तो पहले मैं दो, कभी भी मेरे स्क्रीन पे दो पासवर्ड शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं फिर से दो पासवर्ड को शो करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो के स्क्रीन पे कहीं पे भी आपको दो दो करके 4 पासवर्ड शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पासवर्ड को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ। ओके जब भी मैं किया हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ये जीप फाइल में था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अनजीप हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर से आपको क्या करना है, अनजीप करने के बाद अपने यहाँ पे एबी प्लेयर एप्लीकेशन में आपको आना है, ठीक है। आने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद अपलोड फाइल करके एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जब भी क्लिक कर दोगे तो आपका फाइल मैनेजर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, अगर नहीं वो ओपन होता है तो 3 लाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्क्रॉल करके आपका फाइल मैनेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जिस फोल्डर में आप एबी प्लेयर टेम्पलेट को रखे हो उस फोल्डर के यहाँ पे ओपन कर देना है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, सिंपली एबी प्लेयर नाम करके मेरा एक फोल्डर है, उसी में मैं उस टेम्पलेट को रखा हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं उस फोल्डर को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फोल्डर यहाँ रहा था, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरा 2 टेम्पलेट दिखा रहा है। तो एक टेम्पलेट मेरा जीप फाइल है जिसको मैं इसमें पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैं अनलॉक किया हुआ है, देख सकते हो ये अनजीप है,
इसको मैं अनलॉक कर दिया हूँ, इसमें पासवर्ड लगाए इसमें नहीं लगाए, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसमें जब भी क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे एबी प्लेयर के अंदर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मेरे एबी प्लेयर के अंदर ऐड हो चुका है। जब भी ऐड कर दोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। तो इसमें आपको फोटो वगैरह लगाना है और कुछ और सेटिंग में मैं इसमें करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी उस तरह का वीडियो आपको बन पाएगा। ठीक है, तो सिंपली फोटो लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, पेंसिल पे क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे एक इमेज होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज, इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे इमेज में क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक खाली बॉक्स होगा कस्टम इमेज का, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो पिक इमेज पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद जिस फोल्डर में आप फोटो को बना करके रखे हो उस फोल्डर के यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो आपका फोटो है उसको यहाँ पे जिस फोटो को लगाना चाहते हो उस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं उसी फोटो को लगा देता हूँ जो मैं बना करके रखा हूँ। अगर इस तरह का आपको फोटो बनाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अगर नहीं तो इस तरह का फोटो आपको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर 100 कमेंट आ जाता है और इस वीडियो पर 100 लाख लाइक आ जाता है, ठीक है, तो मैं इस टॉपिक पे फोटो वीडियो बना दूंगा कि आप इस तरह का वीडियो फोटो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो और किस तरह से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड में जो फोटो लग चुका है। ठीक है, उसके बाद में एक और काम आपको क्या करना है, यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके पार्टिकल को ऑन करना है। ठीक है, स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे जाना है। सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो पार्टिकल करके एक ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पार्टिकल के नीचे ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में जनरल पे क्लिक करके और इसको आपको इसमें टिक लगा देना है, इसको एनेबल कर देना है। ठीक है, जब भी पार्टिकल को एनेबल कर दोगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड में दिल वगैरह यहाँ पे उड़ने लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से सेकेंड पार्टिकल का एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद इसको भी आपको जनरल में क्लिक करके इसको भी आपको एनेबल कर देना है। ठीक है, एनेबल जब भी कर दोगे तो मेरा वीडियो बन करके रेडी है। एक और मैं आपको सेटिंग बता दे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मेरा वीडियो बन के रेडी है, तो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा सॉन्ग है, ठीक है, उसके अनुसार जो मेरा बैकग्राउंड में फोटो लगा है उसके अनुसार यहाँ पे हिल नहीं रहा है, धड़क नहीं रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेंसिल पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑडियो प्रोवाइडर के नीचे इमेज का ऑप्शन, इसमें क्लिक करना है, जनरल में क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो नोट मेजर वाट करके एक ऑप्शन होगा, इसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे सेकेंड वाले मेजर वाट पे क्लिक करना है। यहाँ पे तीन वोट आपको दिखने को मिलेगा मेजर वाट, यहाँ पे सेकेंड वाले मेजर वाट पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और इसको B8 स्कैम करके यहाँ पे आपको कर देना। मैं आपको बता देता हूँ कौन किस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बीट कैम स्नेक रोट लेस करके एक ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्कोर करके बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे मैं आपको प्ले करके फिर से वीडियो को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फोटो भी यहाँ पे हिल रहा है जो बैकग्राउंड में मैं लगाया हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको वीडियो को सेव करने के लिए इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जितना HD में करना चाहते हो उतना HD यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप जितना HD में करना चाहते हो उतना HD सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसको आपको मेन कर देना है। ठीक है, मेन ही में रहने देना है आपको, अगर है तो रहने। और उसके बाद यहाँ पे हाइड लोगो पे क्लिक कर देना है, इसमें आपको टिक लगा देना है और वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हाइड लोगो में क्लिक नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, स्पॉट पे आपको क्लिक कर देना है। जब भी स्पॉट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो वीडियो गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको सेव नहीं करूँगा, कैंसिल कर दिया हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको अपने वीडियो को गैलरी में सेव करना है। तो वीडियो ये थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, बाय।